नमस्कार बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोक उत्सव में मुंबईया कलाकारों की धुन पर थिरके श्रोतागण। विभिन्न विभागों ने अपने कार्य प्रणाली को दिखाया स्टॉल के माध्यम से, तो मिथिला ग्राम में मिथिला की संस्कृति का समावेश दिखा। और छात्र संघ का चुनाव हुआ संपन्न, विश्वविद्यालय ने नियुक्त कर रखा था पर्यवेक्षक। आगे समाचार विस्तार से लेकिन थोड़ी देर। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरिया सराय। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस और स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विश्वदानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार। ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। और अब समाचार विस्तार के साथ। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला लोक उत्सव का कार्यक्रम, दो दिवसीय कार्यक्रम जो शनिवार को शुरुआत हुआ था, रविवार को भी पूरे दिन उसकी धूम रही, शाम तक रहा जलवा। शनिवार की देर रात मिथिला लोक उत्सव में मुंबईया कलाकारों की धूम पर थिरके श्रोता। दो दिवसीय मिथिला लोक उत्सव की शुरुआत हुई शनिवार को देर शाम। मंत्री मदन सहनी ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद स्टॉल निरीक्षण के बाद मुंबईया कलाकार जैसे ही मंच पर पहुंचे, श्रोता झूमने लगे। हमारा नाम अमित है और जिना की तरफ से वो आए रहे बहुत जन और अहम नमस्कार। उनका सब आग्रह है जो अहम स्थली यह है मिथिला, हमर जन्म स्थान यह है, तो हम छी मिथिला के तो एकटा अहिने बीच बीच में हमरा सासुर में बड़ा
शनिवार को देर रात तक चला कार्यक्रम और रविवार की शाम ढलते ही महफिलों की सज गई शाम। सरफराज आलम, BTN न्यूज। और बात करते हैं विभिन्न स्टॉलों की, मिसालों उस समय विभिन्न स्टॉल लगाया गया था जिसके कार्य अब संबंधित विभाग अपने कार्य विभाग की कार्य प्रणाली को उसने इस स्टॉल पर दर्शाया। विभिन्न संस्थानों ने अपने विभाग की कार्य प्रणाली को दर्शाया स्टॉल के माध्यम से। मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम में एक भाग में स्टॉल लगाया गया था जहां निजी एजेंसी से लेकर सरकारी विभाग ने अपने कार्य प्रणाली का प्रदर्शन किया। इस स्टॉल में चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हो, कृषि विभाग हो, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यशाला हो या अन्य विभाग, ये स्टॉल लगा हुआ है जिससे जो है ये सिस्टम लगा है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है जिससे बूंद बूंद खाद पानी एक साथ सभी पौधे को जड़ में प्राप्त होता है। लेकिन इन सबसे अलग हटकर जल जीवन हरियाली का आकर्षक कार्यक्रम रहा, आकर्षक स्टॉल रहा जहां घुसते ही जल जीवन हरियाली जैसा एहसास लोगों को होता रहा। जल कितना महत्वपूर्ण है, हरियाली महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, और वर्षा जल किस तरह संचयन करना है, पेड़ पौधे को किस तरह संरक्षित करना है, ऊर्जा बचाएं कल के लिए, जल है तो कल है। बताया गया है जल जीवन हरियाली के बारे में, बारिश जो होता है उसे पानी किस तरह से रखना चाहिए सब के बारे में, गड्ढा बना के, सोखता गड्ढा बना के, या मतलब बारिश पानी जो होता है उसको पाइप द्वारा मिथिला ग्राम में ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया कि किस तरह गांव की परिभाषा, गांव की मिट्टी से मिथिला की संस्कृति जुड़ी। मालूम रहे कि मिथिला लोक उत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है, लेकिन इस बार हयाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने शनिवार को सांकेतिक धरना देकर इस उत्सव में लूट की आलोचना की और इसकी जांच की मांग की। उनका कहना था कि स्थानीय कलाकारों की तुलना में मुंबईया कलाकारों पर पैसा लुटाया जा रहा है, यह लूट है और स्थानीय कलाकारों को का शोषण हो रहा है, उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है, सारे पैसे मुंबईया और बाहर के कलाकार ले जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया 10 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा देखरेख के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई। मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। विभिन्न कॉलेजों में विश्वविद्यालय की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे जो लगातार निरंतर देखरेख में लगे हुए थे कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जाए। छात्र संघ के मतदान कार्यक्रम में संकाय अध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने बड़े ही मनोयोग से कर्तव्य का निर्वहन किया। क्षेत्राधिकार के प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता रहा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह निर्वाचन कार्य का निरंतर निरीक्षण करते रहे। प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार रॉय के साथ नरगौना परिसर MRM एवं CM साइंस कॉलेज के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के काफी सहयोग मिलता रहा। मतदान का प्रतिशत उत्साह वर्धक नहीं रहा। विश्वविद्यालय विभागों में सबसे अधिक 64.15% मतदान वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में, उसके बाद 61.33% विज्ञान संकाय में हुआ, जबकि महाविद्यालयों में सबसे अधिक 41.72% मतदान MLSM कॉलेज सरसोपाही में और सबसे कम 3.06% MRM कॉलेज में मतदान हुआ। RK कॉलेज मधुबनी में मतपत्र के त्रुटिपूर्ण मुद्रण एवं UP कॉलेज पूसा में विधि व्यवस्था के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। GMRD कॉलेज मोहनपुर में मतदान के दौरान हुए उपद्रव के कारण प्रधानाचार्य ने मतदान स्थगित कर दिया। छात्र जीवन की याद दिलाई गई, अतीत कभी व्यतीत नहीं रहता। परिसर के उत्साहपूर्ण माहौल रहा।
मतदान का कुल प्रतिशत कॉलेजों में लगभग 13.29% एवं संकायों में 48.65% रहा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह एवं कुल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चंद्र भानु प्रसाद सिंह ने छात्रों को शालीनता से धैर्यपूर्वक मतदान करने एवं मतदान में सहयोग करने हेतु धन्यवाद दिया। साइंस कॉलेज पर छात्र संघ चुनाव जोर शोर से चल रही है। विगत 3 वर्षों से लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव संपन्न होता रहा है। इस बार पुनः आज 1 दिसंबर 2019 को रविवार को सीएम साइंस कॉलेज पे छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। शांतिपुर चुनाव हो रहा है, 9000 लड़के हैं और अभी तक जो है अच्छा परसेंटेज है वोट का, लड़के की भीड़ देख ही रहे हैं। लड़कियाँ कितने हैं? लड़कियाँ भी हैं, 50% लड़की तो ले रही है, भाग ले रही है। करीब कितना? 9 बजे आ चुका था और जिला प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं और कॉलेज और महाविद्यालय के भी सभी शिक्षक और इनसे जुड़े कर्मचारी चुनाव से सभी हैं और सभी, तभी से मैं देख रहा हूँ कि बिना कोई विवाद के शांतिपूर्वक मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। अभी 3 बजने को है, कोई भी कंप्लेन हमारे पास किसी भी तरह का अभी तक नहीं आया है। कौन सा मतदान केंद्र से? ये मतदान केंद्र तो कुमार सिंह कॉलेज छात्र संघ का चुनाव है, इसमें 5 तरह के चुनाव हो रहे हैं जिसमें जो बताएंगे हमारे ये 2019 और 20 के का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव महाविद्यालय परिसर में हमारे पर्यवेक्षक डॉक्टर विजय प्रसाद यादव जी जो स्टेट अफसर है मिथिला विश्वविद्यालय के, हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब और जिला प्रशासन के तमाम लोग जो है के इंस्पेक्टर प्रभारी सभी लोग आए हुए हैं और बड़ी लोकतंत्र का जो पर्व है उस ढंग से छात्र संघ का जो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है और अभी यहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ है। 3 बजने जा रहा है और 10 से 4 चुनाव का समय है। बहुत ही शांति के साथ, भाईचारगी के माहौल में, अमन शांति से छात्रों ने और शिक्षकों ने मिलजुल कर ये जो मतदान हुआ है शांतिपूर्ण मतदान, हम तमाम लोगों को इस शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी ओर से बधाई दे कि इतने अच्छे माहौल में मतदान हुआ। कॉलेज महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह कॉलेज में, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज में अभी छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। विगत 3 सालों से यह चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ करीब 9000 से ऊपर वोटर हैं, अभी तक करीब 600 के आसपास लोगों ने वोट कास्ट किया है अपना। सबसे बड़ी विशेषता यह है इस बार कि लड़कियाँ बहुत उत्साह से भाग ले रही हैं, यहाँ तक कि वो पोलिंग एजेंट भी बनी हुई हैं और जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। यूनिवर्सिटी की ओर से ऑब्जर्वर हैं डॉक्टर विनोद बैठा जी जो NSS के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं और सुबह से सब लोग डटे हुए हैं। हमारे शिक्षक कर्मचारी सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव के संचालन में लगे हुए हैं। कल सुबह 10 बजे से सुमत गणना का कार्य होगा और तब इसका अंतिम रिजल्ट सुनाएगा। ठीक है, वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, BTA न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006, 9234928396। सिंह सर्विस स्पेयर्स, सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स, सूजस इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सुपर डीलर ई रिक्शा, ई स्कूटी, ई लोडर, कम कागजी कार्रवाई, फाइनेंस की सुविधा, दमदार बॉडी, चेचिस और एक्सपेंशन, पावरफुल ब्रेक्स,
फुल कैनोपी जो बारिश और धूप से बचाए, दमदार बैटरी हमेशा आपके साथ, सड़क का बादशाह सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल नंबर 9473105857 7295035313। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मिथिला लोक उत्सव में मुंबईया कलाकारों की धुन पर थिरके श्रोतागण, विभिन्न विभागों ने अपने कार्य प्रणाली को दिखाया स्टॉल के माध्यम से, तो मिथिला ग्राम में मिथिला की संस्कृति का समावेश दिखा और छात्र संघ का चुनाव हुआ संपन्न, विश्वविद्यालय ने नियुक्त कर रखा था पर्यवेक्षक। विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के साथ शोषण किया जा रहा है, 8 घंटा से अधिक काम लिया जाता है, एकजुट होकर सरकार से शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, सबों ने पोलो मैदान धर्मा स्थल पर इस संदर्भ में बैठक आयोजित। विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। इनका कहना है कि इनके साथ विभागों में शोषण किया जा रहा, 8 घंटे से अधिक काम लिया जाता है, एकजुट होकर सरकार से शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है। पोलो मैदान के धरना स्थल पर बैठक आयोजित की गई। अपने संघ के आगे की रणनीति तय करने हेतु संघ को विशेष रूप से आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम लोग एकजुट होकर सरकार से लड़ने के लिए आज बैठक बुलाए हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर ही चर्चा की जा रही है, जो आगे का जो हम लोग का जो अभी वर्तमान में समस्या है वो आगे हम लोग कैसे समाधान करें। तो ये है वेतन की संगति है, सरकार जो है पुनर्नियोजन पर काम नहीं कर रही है। हम लोग कर रहे हैं कि आगामी हम लोगों को कुछ कार्यपालक सहायक हैं सभी विभाग में, जिस विभाग में किसी को वेतन कम दिया जा रहा है, किसी को पूरा दिया जा रहा है, बढ़े हुए दर से नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग ये बैठक इसलिए रखे हैं कि भविष्य में हम लोग के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम कठिनाई हो रही है, जैसे सताया भी जा रहा है, कहीं कहीं जबरन दस्ती संडे को भी काम लिया जा रहा है, ये सब सारी मुद्दा पर हम लोग बैठक रखे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। 35वें एनुअल स्पोर्ट्स मीट एंड इंटर स्कूल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया डॉन बॉस्को स्कूल में। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। 35th एनुअल स्पोर्ट्स मीट एंड इंटर स्कूल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया डॉन बॉस्को स्कूल में। उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंचे थे WIT के पूर्व निर्देशक ब्रजमोहन मिश्र, जबकि मुख्य अतिथि थे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। प्रिंसिपल को मन से धन्यवाद देता हूँ, उम्र में बड़ा होने के कारण आशीर्वाद देता हूँ, यह स्कूल फले फूले। और इस कार्यक्रम भाषण तो मुझे बाद में देना है, दो शब्द कहना था। इनका मूल उद्देश्य होता है छात्रों को शारीरिक रूप से पुष्ट करने के लिए और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ हम उनको तैयार करते हैं कि अपने जीवन के सामने जो भी चुनौतियाँ या समस्याएं आते हैं उनका दृढ़ता पूर्वक और सफलता पूर्वक
सामना करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम छात्र छात्राओं को इस तरह से तैयार करें जो अपना जीवन को उपार्जन को अर्जित कर जी सके, साथ ही साथ जीवन के संघर्ष को आसानी से झेल सके और उनकी चुनौतियों का सामना कर सके। शिक्षा यह भी सिखाती है कि हमें आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि समाज और पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉन बॉस्को स्कूल अपनी अच्छी शिक्षा के लिए जो जाना जाता है इस क्षेत्र में अपने छात्रों के संपूर्ण विकास, जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और साथ ही साथ आत्म केंद्रित होने से सेल्फ सेंट्रिक से ऊपर उठ करके समाज और देश के बारे में सोचने के योग्य छात्रों को बनाएंगे। और ये छात्र जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो मानसिक रूप से दृढ़ होंगे, सब जीवन की समस्याओं को का सामना करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ देश और समाज के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। मैं पूरा डॉन बॉस्को स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर जितने सारे लोग उपस्थित हैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और डॉन बॉस्को स्कूल के प्रबंधक को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते छात्रों से रूबरू होना, छात्रों से बात करना सबसे बड़ा प्रिय विषय होता है और मेरा भी प्रिय विषय है। इसके लिए डॉन बॉस्को स्कूल का मैनेजमेंट धन्यवाद का पात्र है। मैं इस वार्षिकोत्सव के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की कोर्स का और ये हर स्कूल के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं जैसे चापदी साहब, वो अपने जमाने में बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, मैंने साथ खेला इनके साथ, और इन्होंने जो अप्रोच दिया, हर वर्ष ये एनुअल मीट कराते हैं और बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो निखर के सामने आता है। और आज विश्वविद्यालय जिस स्तर पे है और विश्वविद्यालय जिस स्तर पर अपने परफॉर्मेंस को दिखाना चाहता है उसके लिए स्कूल को आगे आने होगा, क्योंकि जिस स्टेज में बच्चों को मोल्ड किया जा सकता है वो स्टेज स्कूल का है। और इनके प्रयास कल्चर के लिए मैं सारे स्कूल के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसको रेगुलर रूप में अगर कराएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का, इस देश का स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। हाजी यूसुफ तालियां, सेकंड रैयान उमर, हेलो फरहान रजा, एमपी फुरकान आलम, सईद अनवर, रैयान उमर, जरी खान, फातिमा वाजिदी, आयशा वाजिदी, आप तमाम बच्चे ग्रुप डी के लिए अवार्ड के लिए लाइन अप हो जाएं। नीरज प्लीज। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। और राधे कृष्ण मंदिर, महावीर मंदिर, बाकरगंज मेला, सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ और बात विवाह पंचमी। राधे कृष्ण मंदिर से महादेव मंदिर बाकरगंज में चल रहा है सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ।
कार्यक्रम आपको अंतर्राष्ट्रीय सिद्धासन साधक परिवार दरभंगा इकाई की ओर से राम जानकी साधना महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की छत्र छाया में पूज्य गुरुदेव कैलाश चंद श्रीमाली जी का आगमन आज हुआ है। इस कार्यक्रम में ध्यान साधनाएं दीक्षा संपन्न कराई जाएगी और ये कार्यक्रम विगत पिछले 12-15 वर्षों से कंटिन्यू राम जा वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम बीटीएन न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोक उत्सव में मुंबईया कलाकारों की धुन पर थिरके श्रोतागण। विभिन्न विभागों ने अपने कार्य प्रणाली को दिखाया स्टॉल के माध्यम से, तो मिथिला ग्राम में मिथिला की संस्कृति का समावेश दिखा और छात्र संघ का चुनाव हुआ संपन्न। विश्वविद्यालय ने नियुक्त कर रखा था पर्यवेक्षक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय हिंद।